जी हाँ दोस्तों, सागर धनखड़ मर्डर केस में आरोपी पहलवान सुशील कुमार इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन लगातार खबरें सामने आ रही हैं और एक ऐसी अपडेट सामने आई जो आपको भी हैरान कर देगी, क्योंकि सुशील कुमार जेल में अलग अलग चीज़ों की डिमांड कर रहा है। अब पता चला है कि सुशील को जेल में टीवी भी चाहिए, इसके लिए उसने जेल प्रशासन से मांग की है। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार ने इसके लिए जेल प्रशासन को एक लेटर लिखा है, जेल प्रशासन इस पर विचार करेगा, उसके बाद अगर ठीक लगेगा तो उसे टीवी दिया जाएगा, जहां वे देश दुनिया की खबरों के अलावा खेल भी देख सकेगा। आपको बता दें दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक बहुत ही नज़दीक है, अब कुछ ही दिनों बाद टोक्यो ओलंपिक शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बार सुशील कुमार की जगह पहलवानों में जो उम्मीद बनकर जा रहे हैं वो बजरंग पुनिया और कुछ और भी पहलवान हैं, तो वो उनका मुकाबला भी देखना चाहेंगे जेल के अंदर से ही। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि 23 जुलाई के आसपास टोक्यो ओलंपिक शुरू होगा, लेकिन 9 जुलाई तक सुशील कुमार न्यायिक हिरासत में रहेगा। अगर उसके बाद उसकी न्यायिक हिरासत या उसको सजा मिलती है तो कितने दिन जेल की सलाखों के पीछे और काटने पड़ेंगे ये अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन जेल प्रशासन ने उसका ये मामला सुरक्षित रखा है। पूरे विचार विमर्श के साथ ही उस पर फैसला लिया जाएगा। वैसे देखा जाए दोस्तों तो बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं उसको टीवी मिलने के, क्योंकि जब हाई प्रोटीन डाइट को भी इनकार कर दिया गया था, क्योंकि कहा यह गया था कि वो अब जेल में कैदी की तरह है तो कैदी की तरह ही व्यवहार होगा, इसीलिए उसे हाई प्रोटीन डाइट नहीं मिलेगी, तो टीवी मिलना भी बहुत मुश्किल है। देखते हैं दोस्तों जेल प्रशासन क्या फैसला लेता है इन सब मामलों पर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।